नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में आपको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करके बताने वाला हूँ। फैक्टराइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप 8th क्लास में या 9th क्लास या 10th क्लास में, आपको फैक्टराइजेशन आना ही चाहिए। फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों क्लास के लिए। तो इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको फैक्टराइजेशन बताऊँगा कि आपको आज इस वीडियो में आ ही जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे फैक्टराइजेशन में कुछ डाउट आपको न रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाई, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर फाइंड करने के पहले कुछ और रूल्स हैं, वो देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे कई बार मैंने आपको बताया है, प्लस और प्लस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या आता है, प्लस आता है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है, प्लस आता है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। अब यह प्लस आने की कंडीशन क्या है, दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है। और माइनस आने की कंडीशन क्या रहती है, एक प्लस और एक माइनस, ये आपको याद रखना है। अब फैक्टराइजेशन करते समय इस समय ध्यान देंगे, जैसे कोई नंबर है, सपोज करिए 12 है, 12 का फैक्टराइज कैसा होगा, 12 वन जा 12, 6 टू जा 12, 4 थ्री जा 12। आगे आपको फैक्टराइजेशन मतलब कि ये कौन कौन से टेबल में कितने टाइम्स में 12 आ रहा है, वही मैंने लिखा, कुछ और नहीं लिखा। एक दो और नंबर देख लेते हैं, 15 का, 15 वन जा 15, 15 का 1 में इंटू करेंगे 15 आएगा। इसी तरह 5 थ्री जा 15, या 3 5 जा लिखिए, 5 3 जा एक ही होगा, दूसरा कोई नहीं, बस इसके दो ही फैक्टर हो, इस तरह हो गए। अभी समझे, 100 का लिखना है तो 100 इंटू 1 और 10 इंटू 10, 10 10 जा 100 हो रहा है। इस तरह 20 इंटू 5, 25 इंटू 4 और कुछ होता है, हाँ 50 इंटू 2। यह देखिए, यहाँ मैंने क्या है, 100 के जितने फैक्टराइज लिख दिया, यह क्या था 100 इंटू 1, 100 का 1 में इंटू करेंगे कितना होगा 100 होगा, 10 इंटू 10 भी 100 ही होगा, 20 इंटू 5 ये भी क्या होगा 100 ही, 25 इंटू 4 ये भी 100 होगा, और 50 इंटू 2 ये भी कितना होगा 100 होगा। तो ये सारे के सारे 100 के क्या है, फैक्टराइज हैं। तो ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि फैक्टराइज करने के पहले ये सब नंबर का फैक्टराइज करने आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले उसका एक जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कुछ इस तरह होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके आगे भी लिखना चाहे तो इज इक्वल टू जीरो, अगर इसको नहीं लिख रहे हैं तो भी हमारा यह क्या हो गया, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्म है इस तरह है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विदाउट एक्स, सही है। अब इसको क्या करना, हमें 12 का है फैक्टराइज करना है, 12 का फैक्टराइज करना है, तो हम यहाँ पे 12 को लिखेंगे। और 12 का फैक्टराइज ऐसा करना है कि ऐड करके, यहाँ प्लस है ना, ऐड करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 12 का फैक्टराइज मैंने आपको क्या क्या बताया था, देखिए 12 का फैक्टराइज 12 बन जा 12, 6 टू जा 12, 4 3 जा 12। अगर मैंने 12 वन जा 12 लिया तो जोड़ के मेरा 7 आएगा क्या, नहीं आ रहा है, तो इसको नहीं लेना है। दूसरा हमारा 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 हो रहा है, लेकिन 6 और 2 ऐड कर रहे हैं कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, 7 नहीं हो रहा है, भी कैंसिल। 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, एंड 4 एंड 3 कितना होता है, 7 होता है, मतलब हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 और यहाँ पे 3, हमें वही फैक्टराइज देना है जो ऐड करके 7 होना चाहिए, कुछ भी नहीं ले लेना है। वरना अगर आप 6 2 जा लेते हैं 12 हो रहा है, लेकिन 6 2 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो सो वी हैव टेक दिस नंबर, ओके 4 एंड 3। अब इसी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 क्या है, प्लस है, और प्लस की मैंने कंडीशन बता दिया, बोथ विल बी प्लस और बोथ विल बी माइनस, दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, बट आगे क्या है, प्लस है ना, तो हम दोनों को क्या देते हैं, प्लस देते हैं। चलिए लिख लेंगे। अब इसमें फैक्टराइज में आगे वाले को ऐसे लिखना है, पीछे वाले को, जहाँ पे 7x है वहाँ पे हम इसको अलग अलग लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 4x प्लस 3x प्लस 12। हमने आगे वाले को एज इट इज कॉपी किया, पीछे वाले कॉपी किया, जहाँ पे 7x था यहाँ पे 4x प्लस 3x लिया। अब कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे होता है वो भी देख लीजिए। सपोज करिए यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए सी है, दोनों में कॉमन क्या है, ए, ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी प्लस सी। इस तरह हमने कॉमन लिया, तो इस तरह यहाँ पे भी कॉमन लेना है, यहाँ पे दो पार्ट में अलग, यहाँ दो पार्ट में अलग। पहले इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मतलब एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन है तो यहाँ 1x चला गया, तो बचेगा 1x, 1x प्लस 4 प्लस, यहाँ भी 3, इसके अंदर भी 3 है, 3 4 जा 12 होता है ना, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस
फोर, यहाँ पे फोर कैसे बचा, थ्री फोर जा ट्वेल्व होता है, थ्री बाहर ले लिया तो कितना बचेगा यहाँ पे फोर बचेगा। अब देखिए एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर सेम दिख रहा है, उसको फिर से कॉमन लेंगे एक्स प्लस फोर, तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स प्लस थ्री, जो रिमेनिंग रहेगा उसको लिख लेंगे एक्स प्लस थ्री। देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा लिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी, ट्वेंटी को फैक्टराइज करना है, ऐड करके कितना आना चाहिए नाइन आना चाहिए। ट्वेंटी का फैक्टराइज भी आपको पता ही होगा, ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी, टेन टू जा ट्वेंटी, फाइव फोर जा ट्वेंटी, तो हम क्या लेंगे फाइव फोर जा, फाइव फोर कितना होता है नाइन होता है। यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस की कंडीशन मैंने बता दिया है, दोनों प्लस लेंगे या तो दोनों माइनस, मतलब फिक्स हो गया कि इसमें दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस ही होंगे, बट वो किसके ऊपर डिपेंड है, आगे जो नंबर रहता है उसका मार्क के ऊपर। यहाँ पे 9x है उसके आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या रहेगा दोनों माइनस रहेगा, माइनस फाइव एंड माइनस फोर इट विल बी माइनस नाइन हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे इक्वल लगाना बहुत ज़रूरी है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी कॉमन ले लेते हैं, x हमने कॉमन लिया दोनों में तो x माइनस फाइव हो जाएगा, माइनस फोर कॉमन लेते हैं तो x माइनस फाइव, कैसे माइनस फोर ले क्योंकि माइनस इसके अंदर भी और प्लस के अंदर क्या होता है दो माइनस होता है, एक माइनस हमने बाहर लिया तो एक माइनस बच जाएगा, क्या बचा x माइनस फाइव, x माइनस फाइव, वंस अगेन वी हैव टू टेक x माइनस फाइव एज ए कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस फोर, बस यहाँ पर इसके फैक्टराइज आ गया x माइनस फाइव और x माइनस फोर आया। और टेंथ क्लास में क्या है यहाँ फैक्टराइज करने के बाद इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो इसके थोड़ा सा आगे प्रोसेस रहेगा, बट आपको फैक्टराइजेशन आ ही जाना चाहिए। इस वीडियो का मेरा यही एक एम है, और कुछ एक दो और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन, क्या करना है बताइए आप लोग, किसका हमें फैक्टराइज करना है 15 का, 15 का ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करके, प्लस करके नहीं माइनस करके कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 15 का फैक्टराइज मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, वो भी फिर से एक बार और बता देता हूँ, 15 का फैक्टराइज 15 वन जा 15 होता है एंड 5 थ्री जा 15 होता है। अगर मैंने 15 वन जा 15 लिया, 15 माइनस वन इट विल बी 14 नहीं चलेगा, फिर 5 थ्री जा कितना होता है 15 होता है, अब 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 2। यहाँ मुझे कैसे पता चला कि प्लस करके आना है कि माइनस, इसके ऊपर डिपेंड है, अगर यहाँ प्लस रहे तो प्लस करके चाहिए, अगर माइनस रहे तो माइनस करके चाहिए, तो यहाँ माइनस करके हमें कितना चाहिए था 2 चाहिए था, तो 5 एंड 3 लेंगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे 3। अब यहाँ पे मार्क क्या है माइनस का, माइनस के मार्क का मैंने कंडीशन बता दिया, एक प्लस एक माइनस फिक्स है, मतलब इन दोनों में एक प्लस एक माइनस है ही, इतना पता लेंगे कौन सा प्लस माइनस है वो डिसाइड कैसे करेंगे, हम यहाँ आगे मार्क देखें, आगे क्या है प्लस है तो इसको प्लस देंगे और को माइनस दे देंगे, ऐसे में नहीं, यहाँ जो मार्क रहता है वो किसको देते हैं बड़े नंबर को, बड़ा नंबर भले आगे पीछे रहे तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे जो मार्क रहेगा वो किसको देंगे बड़े वाले नंबर, और बड़ा हमारा फाइव था तो फाइव को हमने प्लस दे दिया, अगर सपोज करो यहाँ माइनस होता तो बड़े वाले को माइनस देते और छोटे वाले को प्लस देते, बट यहाँ बड़ा नंबर हमारा प्लस था, बड़ा नंबर हमारा फाइव था इसलिए हमने फाइव को प्लस दे दिया। अब लिखेंगे इक्वल लगाएंगे एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर हम यही दोनों लिखेंगे प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन, कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में, पहले इन दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस फाइव, इन दोनों में माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो x प्लस फाइव। और एक बात और ध्यान देंगे, ये दोनों ब्रैकेट का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, अगर अलग आया तो आपका कुछ ना कुछ गलत है, यहाँ पे दोनों देखिए सेम आया तभी तो कॉमन होगा, यह अलग है थोड़ा, इसको यहाँ पे दूर लिखते हैं वरना एक साथ में ही हो जाएगा अटैच हो जा रहा है, माइनस फाइव है और यहाँ पे सॉरी प्लस फाइव था क्या, प्लस फाइव था एंड माइनस थ्री था, दूर लिखेंगे हाँ। अब दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव, वन सेकेंड वी हैव टू टेक कॉमन, एक्स प्लस फाइव कॉमन लेंगे बचेगा एक्स माइनस थ्री, हो गया एक ब्रैकेट में हमारा एक्स प्लस फाइव आएगा, जो रिमेनिंग क्या था एक्स माइनस थ्री उसको भी हम लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया फैक्टराइज हो गया इस इक्वेशन का। अभी दूसरा भी देखते हैं यहाँ पे 40 का, हाँ यहाँ पे हमें 40 का फैक्टराइज करना है, कितना आना चाहिए देखिए बताइए आप लोग, 3 आना चाहिए, वो भी माइनस करके आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 40 लिखते हैं, 40 का फैक्टराइज भी आपको मैंने बता दिया है कितना होता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखें 8 फाइव जाए कितना होता है 40, 8 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, बट यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस के लिए कंडीशन मैंने बता दिया एक प्लस रहेगा एक माइनस, अब यहाँ प्लस माइनस कौन सा उसको डिसाइड करने के लिए हम आगे जाएंगे, यहाँ पे क्या है माइनस है तो बड़े वाले नंबर को माइनस और छोटे वाले को प्लस, यहाँ जो मार्क रहेगा वो किसको देंगे बड़े वाले नंबर को देना है। ओके चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 8 और प्लस 5 कॉमन लेते हैं x माइनस 8, x माइनस 8 वंस अगेन वी हैव टू टेक कॉमन देन x प्लस 5, हो गया बस ये फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे मैंने आपको फैक्टराइज बता दिया, कुछ और क्वेश्चन लेके और अच्छे से आपको समझा देते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दिया है कुछ इस तरह है, 2x² - x - 10। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आगे नंबर दे दिया, अगर कभी भी आगे नंबर दिया हो तो ना इसका पीछे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, पर 20 हम वहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे 20। अब 20 का ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कुछ भी नहीं तो क्या बनते हैं, 1 बोलते हैं। तो 5 × 4 = 20, 5 में से 4 जाए कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ओके, यहाँ माइनस है, माइनस के कंडीशन मैंने बता दिया था, एक प्लस रहेगा एक माइनस, मतलब फिक्स हो गया इसमें एक प्लस माइनस है ही, बट कौन सा प्लस है कौन सा माइनस के लिए हम क्या देखेंगे, आगे माइनस है तो बड़े वाले को माइनस और छोटे वाले को प्लस। चलिए लिखते हैं 2x² - 5x + 4x - 10। कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, अगर ये 6 होता तो 2 कॉमन ले सकते थे, बट 2 है तो कॉमन नहीं लेंगे, तो हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x - 5। अब यहाँ पे देखिए 2 है, इसके अंदर भी 2 है, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो 2 कॉमन लेते हैं, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2x - 5, फिर 2x - 5 सेम दिख रहा है, वंस अगेन वी हैव टू टेक कॉमन 2x - 5 और सेकेंड ब्रैकेट में लिखेगा x + 2। ओके, अब देखिए ये बायोनोमियल आ गया, दो ही यहाँ पे है टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दो ही टर्म है तो उसको बायोनोमियल पढ़ते हैं, बायोनोमियल की ये फार्मूला है इसका, उसके हेल्प से हम फैक्टराइज करते हैं, ये नहीं कि 25 का ऐसा फैक्टराइज करना कितना आना चाहिए पता नहीं, ये नहीं दिया, तो इसके लिए फार्मूला हमारा है x² और एक इसका है 5 का स्क्वायर, x² 5 का स्क्वायर, मतलब a² - b का, वो फार्मूला बता दे रहा हूँ मैं, a² - b² होता है a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b, तो हम इसको क्या लिखें, x² और ये 5 का स्क्वायर, तो एक बार इसके साथ में प्लस एक बार इसके साथ में माइनस, x + 5 और x - 5, हो गया फैक्टराइज, बस इतना ही है। इस वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फैक्टराइजेशन आ ही जाएगा, अगर अभी भी कुछ आपको डाउट रहेगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल लगती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।